वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य मैक्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं अद्भुत, रहस्यमयी, रोमांचित कर देने वाली कहानियाँ और किस्से, और कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले रहस्य मैक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मक्का मदीना में हिंदू क्यों नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, मक्का मदीना सऊदी अरब के हिजाज प्रांत में स्थित एक प्रमुख मुस्लिम तीर्थ स्थल है। सऊदी अरब की धरती पर इस्लाम का जन्म हुआ और इसीलिए मक्का और मदीना जैसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल उस देश की ख्याति है। मक्का में पवित्र काबा है जिसकी परिक्रमा कर हर मुसलमान अपने गुनाहों से आजाद हो जाता है, और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि यहाँ आकर जन्नत का रास्ता खुल जाता है। यही वो स्थान है जहाँ हज यात्रा सम्पन्न होती है, और इसीलिए यहाँ दुनिया के कोने कोने से मुसलमान ईद उल अजहा या बकरीद पर पहुँचते हैं। समुद्र सतह से 277 मीटर ऊंची जिन्ना की घाटी पर शहर से 70 किलोमीटर अंदर स्थित है ये पवित्र स्थल। 2012 तक तकरीबन यहाँ 2 मिलियन लोग रहते थे, और इसके 3 गुना लोग हर साल यहाँ पर इसे देखने आते हैं। मक्का पर लंबे समय तक पैगम्बर मोहम्मद साहब के वंशजों ने शासन किया। इस्लामी परम्परा के अनुसार मक्का की शुरुआत इस्माइल वंश ने की थी। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जो संकरी, बलुई तथा अन उपजाई घाटी में बसा है। यहाँ वर्षा कभी कभी होती है। नगर का खर्च यात्रियों से प्राप्त कर द्वारा पूरा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पैगंबर साहब का जन्म 571 ईस्वी में हुआ था। फिर मक्का वासियों से झगड़ा हो जाने के कारण पैगंबर मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए। अरबी भाषा में सफर करना हिजरत कहलाता है, और यहीं से संवत हिजरी की शुरुआत हुई थी। पैगंबर साहब ने ही मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए इस्लाम धर्म की स्थापना यहाँ की थी। इसके बाद से ये स्थान इस्लाम धर्म के लोगों के लिए जन्नत तक पहुँचने का रास्ता और एक पवित्र तीर्थ माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने शिष्यों को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में कम से कम एक बार मक्का आना आवश्यक बताया है, जिसे हज के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए विश्व के कोने कोने से मुस्लिम लोग पैदल, ऊँटों, ट्रकों तथा जहाजों से यहाँ आते हैं। यहाँ हर वर्ष करोड़ों मुस्लिम हज यात्रा के लिए आते हैं। मक्का में एक पत्थरों से बना हुआ विशाल मस्जिद भी स्थित है। इसके मध्य में एक चकोर काबा स्थित है। ये ग्रेनाइट पत्थर से बना है जो 40 फुट लंबा और 33 फुट चौड़ा है। दोस्तों, इसमें कोई खिड़की नहीं है बल्कि एक दरवाजा है। काबा के पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फुट की ऊंचाई पर पवित्र काला पत्थर है। मुस्लिम तीर्थ यात्री यहाँ आकर 7 चक्कर लगाते हैं तथा इनको चूमते हैं। इस विशाल मस्जिद के पास ही एक जमजम का पवित्र कुआं स्थित है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। इस कुएं का पानी पीकर यहाँ एक शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा की जाती है। संपूर्ण विश्व में इस्लामी तारीख के अनुसार 10 जिलहज को विश्व के कोने कोने से मुस्लिम इस पवित्र स्थान पर पहुँचते हैं, जिसे इस्लाम धर्म में लोग ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। मक्का और मदीना के कुछ मील तक चारों ओर के क्षेत्र को पवित्र माना जाता है। अतः इस क्षेत्र में कोई युद्ध नहीं हो सकता और ना ही कोई पेड़ पौधा काटा जा सकता है। मक्का मदीना संपूर्ण पवित्र इस्लामिक स्थान होने के कारण यहाँ गैर इस्लाम के लोगों का जाना निषेध है। दोस्तों, अब तक सूचनाओं में लिखा जाता था कि काफिरों का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन अब काफिर शब्द के स्थान पर नॉन मुस्लिम यानी कि गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, ऐसा लिखा हुआ है। काफिर शब्द का अर्थ होता है इनकार करना या छिपाना। वास्तव में काफिर शब्द का उपयोग नास्तिक के लिए किया जाता है। दुर्भाग्य से काफिर शब्द को हिंदुओं से जोड़ा गया है। ईसाई, यहूदी, पारसी और बौद्ध भी उस वर्जित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। मस्जिद अल हरम मक्का में मौजूद एक विख्यात मस्जिद है। ये इस्लाम की सबसे पवित्र स्थल काबा को पूरी तरह से घेरने वाली एक मस्जिद है, और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। इस प्राचीन मस्जिद के चारों ओर पुरातात्विक महत्व के खंबे हैं, लेकिन कुछ समय पहले सऊदी सरकार के निर्देश पर इसके कई खंबे गिरा दिए गए। इस्लामी बुद्धिजीवियों में से अनेक लोगों का ये मत है कि इसी के पास से पैगंबर साहब बुरक यानी कि पंख वाले घोड़े पर सवार होकर ईश्वर का दर्शन करने के लिए जन्नत चले गए थे। बताया जाता है कि मस्जिद अल हरम 356,800 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इसमें हज के दौरान 40 लाख लोग आ सकते हैं। अब इस मस्जिद के पूर्वी भाग के खंबों को धराशायी किया जा रहा है। इतिहास की
दृष्टि से इसका महत्व अधिक है, क्योंकि यहाँ पैगंबर हजरत मोहम्मद और उनके साथियों के महत्वपूर्ण क्षणों को अरबी में लिखा गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थान मक्का के बारे में ये मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अब भी वहाँ पर है। हज के समय संगे अस्वद यानी कि काला पत्थर कहकर मुसलमान उसे ही पूजते हैं और चूमते हैं। इसके बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार स्वर्गीय पीएन ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में बहुत विस्तार से लिखा है। और ये भी कहा जाता है कि अरब में मोहम्मद पैगंबर से पहले शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का के काबा में जिस काले पत्थर की उपासना की जाती रही है, भविष्य पुराण में उसका उल्लेख मक्केश्वर के रूप में हुआ है। इस्लाम के प्रसार में पहले इसराइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, ये बात कितनी सच है ये तो अभी तक विवादित है, अभी तक तो सिर्फ ये एक अफवाह ही लगती है। तो दोस्तों, ये था वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि मक्का मदीना में हिंदुओं का तथा गैर मुसलमानों का जाना वर्जित क्यों है, इसका पूरा सच। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। अपनी राय और सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखते रहिए रहस्य मैक्स यूट्यूब चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।